वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिटेल सीरीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 9 की बुक है बिहाइव, उसका सेकेंड यूनिट द साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड देर आर टू पार्ट्स, सो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट अबाउट एवलिन गिलेनी। इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवलिन गिलेनी के बारे में, और ऑब्वियसली डिटेल सीरीज़ है तो लाइन बाई लाइन आपका एक्सप्लेनेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक का, अबाउट एवलिन गिलेनी। एवलिन गिलेनी के बारे में है, और ये वो लेडी हैं कि उन्हें 8 साल के एज के बाद उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता था। उनकी हेयरी पावर बिल्कुल गायब हो गई थी, उसके पहले ज़रूर सुनाई देता था लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये उनकी कमज़ोरी होने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना मान करके उसे अपनी पार बनाया, और बहुत डिटरमाइंड थी वो अपने फ्यूचर को लेकर के। और इसके आगे उन्होंने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा, और कैसे उन्होंने अपना नाम रोशन किया वो हम देखेंगे। क्योंकि वो साउंड को कानों से ना सुन करके जो उनके डिफरेंट पार्ट्स थे उनके बॉडी के, उससे उसे फील करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रश आर क्राउड्स जोशल फॉर द पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आर क्राउड्स का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। किस लिए? पोजीशन पाने का मतलब है कि खड़े होने के लिए। क्यों? क्योंकि जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक दूसरे को धक्का देकर के अपने आप को स्टेबल कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक्चुअली में थी वो 17 ईयर की लेकिन उस एज से वो छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जैसे उसने जो ट्रेन थी प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी उसकी जो वाइब्रेशंस थी उसे सुन करके वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। क्यों? इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। क्योंकि ये उनका पहला दिन था कि जब वो लंदन में जो एक एकेडमी है द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, वहाँ पर इनका पहला दिन होने वाला था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म। और ये तो बहुत ही फ्राइटनिंग है, फ्राइटनिंग का मतलब है बहुत नर्वस फील कराने वाला है। कि एक स्कॉटिश फॉर्म का मतलब स्कॉटलैंड की ज़मीन से एक कोई अगर टीनेज की लड़की अगर जा रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील कराने वाला या एक डरावना एक एहसास था उसके लिए। दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। अच्छा, जो ये यंगर म्यूजिशियन थी यानी कि जैवलिन गिलेनी थी, उन्होंने औरों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स को फेस किया था। क्यों? बिकॉज सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। वो पूरी तरीके से सुन नहीं सकती थी, यानी कि उनके अंदर सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। एवलिन गिलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अच्छा, एवलिन गिलेनी की जो ये सुनने की जो शक्ति थी जो धीमे धीमे ख़त्म हुई, वो एक्चुअली में धीमे धीमे ही ख़त्म हुई थी। ऐसा नहीं था कि एकदम से उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो पैदाइशी ना हो रही हो, यानी कि 8 साल तक उन्हें कुछ ना कुछ सुनाई देता था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अच्छा, उसकी मदर ने तब ये फील किया कि कुछ तो गलत उस बच्ची के साथ में जो कि 8 साल की है, यानी एवलिन। क्यों? क्योंकि वो पियानो बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, तो जो लोग नाम अनाउंस कर रहे थे उन्होंने उसका नेम अनाउंस किया कि दिस इज़ योर टर्न, एंड शी डिडंट मूव। लेकिन वो बिल्कुल भी मिली हिली भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं था तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड, उसकी मदर कहती कि मैंने एकदम से ये रियलाइज़ किया, शी हैडंट हर्ड, क्या उसने सुना नहीं था। सेज इसाबेल गिलेनी, वही उसकी मदर का नाम है इसाबेल गिलेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। उस टाइम के लिए तो जो एवलिन थी कहीं ना कहीं सक्सेस हो गई थी कि अपने आप के जो उनका ये जो सुनने की शक्ति उनके अंदर की ख़त्म हो गई थी, उस चीज़ को अपनी डीपनेस को छुपाने में कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छिपाने में काफ़ी हद तक तो खैर सफल हो गई थी। लेकिन By the time she was 11, लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई, तो her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो जब वो 11 साल की हुई और उनके मार्क्स ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया, उनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी बेकार रहा, तो उनके जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने उसके फादर और मदर को यानी उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास उसे ले जाएं।
इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, तभी जाकर कहीं इस बात का एक तरीके से फाइनलाइज हुआ कि हियरिंग वॉज सेवरल सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ और ग्रेजुअल नर्व डैमेज। एक्चुअली में जो उनके अंदर जो ये कमी आई थी डीफनेस की, वो इस वजह से आई थी कि धीरे धीरे उनके नर्व्स थे जो हियरिंग पावर को कंट्रोल करते होंगे वो डैमेज हो गए थे। देवर एडवाइज, उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी गई क्या, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। पहली बात तो हियरिंग एड्स को उसको प्रोवाइड कराने चाहिए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और जो डीफ लोगों के लिए स्पेशली स्कूल होते हैं वहाँ पर उसे भेजना चाहिए। एवरी थिंग सडनली लुकड ब्लैक, सेज एवलिनी। अब एवलिन कहती हैं कि उस टाइम पे मेरे सामने सब कुछ एकदम से काला हो गया। काला का मतलब है उन्हें सब पूरा दुनिया अपने अंधेरे में डूबी हुई दिखी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन किसी भी तरीके से हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने एक तरीके से पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जिएंगी और जो उनका इंटरेस्ट है म्यूजिक के लिए वो उसी तरीके से परस्यू रहेगा, जारी रहेगा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उन्होंने एक दिन ज़ाइलोफोन बजाती हुई एक लड़की को देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर जो टीचर थे उनके स्कूल में वो हमेशा उसे डिस्करेज करते थे। बट परकसनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। एक परकसनिस्ट थे, यानी कि परकसनिस्ट का मतलब यहाँ पर कि जो म्यूज़िक सिखाने वाले जो कोरियोग्राफर्स होते हैं, खैर कोरियोग्राफर्स तो डांस सिखाने वाले होते हैं, परकसनिस्ट का मतलब जो म्यूज़िक के जो कोच होते हैं, उनमें से जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पूरी तरीके से समझ लिया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ट्यूनिंग स्टार्ट कर दी। किस तरीके की, दो बड़े बड़े उन्होंने ड्रम लिए और डिफरेंट नोट्स में उनकी ट्यूनिंग स्टार्ट कर दी और उससे कहा डोंट लिसन थ्रू योर हीयर्स ही वुड से। उन्होंने कहा कि तुम इन्हें अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे फील करने की, इसे सेंस करने की किसी अलग तरीके से करो, सेज एवलिन। ऐसा एवलिन से उसने, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड। अच्छा, अब एवलिन कहती है कि मैंने एकदम से ये रियलाइज़ किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि कमर के ऊपरी वाले भाग से मैं जो हायर ड्रम बीट है यानी कि जिसमें तेज आवाज़ है उसे सुन सकती हूँ, जो कि कमर की ऊपर से। ठीक, दूसरी चीज द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो धीमे नोट्स हैं ट्यून हैं उन्हें मैं कमर के नीचे वाले भाग से फील कर सकती हूँ। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज को फॉब्स ने बहुत बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तभी उसने ये फील किया, सेंस कर सकती है कि जो डिफरेंट नोट्स हैं वो अपने बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट से हर नोट्स को, यानी जितने भी नोट्स थे उन सबको फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने दिमाग, अपने बॉडी को पूरी तरीके से प्रेजेंट कर दिया है जो साउंड्स एंड वाइब्रेशंस उनको सुनने के लिए। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो दूसरी चीज़ थी जिसकी वजह से हमेशा आगे रहती थी, तो ये तो उनका था डिटर्मिनेशन और प्लस उनका हार्ड वर्क, यानी कि वो दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छे से करके चल रही थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। शी टूअर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे दौर किए एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था उसे ज्वाइन करके। बाई द टाइम शी वॉज 16, और उस टाइम पर वो कल लगभग 16 ईयर ओल्ड थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अपने जीवन को वो म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक को ही अपना वो जीवन बना लेंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स, और उन्होंने जो अपने अकेडमी है रॉयल अकेडमी वहाँ पर उन्होंने अपने ऑडिशन दी। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने सबसे हाइएस्ट जो मार्क्स थे वो गेन किए। इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाली यही लड़की बन गई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। ओके, उसके बाद में जो ऑर्केस्ट्रल वो एक टीम जो उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, धीरे धीरे वहाँ से वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स, और जो वहाँ पर रॉयल अकेडमी में जो 3 वर्ष का कोर्स कर रही थी लगभग, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उन्होंने तब तक तो अपने जो भी अच्छे अच्छे अवार्ड थे इस कैटेगरी के लिए म्यूज़िक के लिए वो सारे ही हथियार लिए थे, यानी कि सारे ही वो अचीव कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और हम इन सब चीज़ों के लिए एवलिन वॉन्ट
एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और एवलिन कभी नहीं कहती कि ये बहुत, मैंने बहुत बड़ा नाम किया, बहुत बड़ा काम किया है, और एक तरीके से स्पेशल अचीवमेंट नहीं देती है। और कहना क्या है उनका, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। वो ये कहती है अगर आपको पता है कि कैसे हार्ड वर्क करना है और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से जो चीज़ चाहना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। और वो इसी वजह से टॉप पर है। द वर्ल्ड मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकसनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहे कि वो एक लौती ऐसी थी जिन्होंने स्टॉप पे जाकर के लगभग उस टाइम पे, वो कह रही हैं कि लगभग थाउजेंड जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें वो परकसनिस्ट की जो एक पोजीशन होती वो पूरी तरीके से अपने ग्रैप कर रखी थी। यानी कि उन्होंने इन सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उन्होंने सब मास्टरी कह लो या कह लो कि पूरी स्किल से वो फुलफिल थी। द हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और वो किस चीज़ में बिजी रहती थी, वो हमेशा जो इंटरनेशनल के दौर होते थे यहाँ वहाँ जाना और परफॉर्म करने, इन चीज़ों में वो हमेशा बिजी रहती थी। इट इज़ इंट्रीगिंग व्हाट दिस इज़ टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही इंट्रीगिंग था। इंट्रीगिंग का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको फैसिनेटिंग करने वाला और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करने वाला, या यू कैन से कि बहुत आप क्यूरियस हो जाएंगे ये सुनने के लिए कि कितने एफर्टलेसली, यानी कि बिना बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए हुए या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क किए हुए वो बड़े आराम से सुन लेती थी। इन योर टू आवर डिस्कशन इन आर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे दो घंटे के डिस्कशन में उन्होंने कभी भी एक भी वर्ड तक मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंस करके बोलती है कि जो वो लोग जिनके दाढ़ी होती है उनसे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। और इसकी वजह, और ये आप ये नहीं कह सकते सिर्फ उनके लिप्स को देखने की वजह से कि मैं उनके लिप्स देख नहीं पा रही हूँ। इट इज़ द होल फेस। यानी कि अगर आपको किसी की बात को समझना है, उसे फील करना है, तो उसके पूरे फेस को देखना पड़ता है। स्पेशली द आई, सबसे ज़्यादा स्पेशल उसकी आँखों को पढ़ना। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। मतलब कि स्कॉटिश जो उसकी लैंग्वेज थी, उसकी मदर टंग थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की ही रहने वाली थी, उसी लहजे में वो बोलती माई स्पीच क्लियर, जो मेरी बात बिल्कुल साफ है। आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मैं जब तक 11 साल की थी मैं सुन सकती थी। शी सेज, उन्होंने कहा, वो कहती हैं, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन उनको वो कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि मैंने कब फ्रेंच सीख ली और कब मैंने अपने जो बेसिक जैपनीज होती है उसे सीख लिया। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स। अच्छा, म्यूजिक की बात की जाए तो वो ये बोलती हैं, इट पॉर्स इन थ्रू द इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक जो है ना वो मेरे बॉडी के हर पार्ट से मेरे अंदर आता है, यानी कि मैं अपने हर पार्ट को यूज़ करती हूँ उसे फील करने के लिए। इट टिंगल्स इन द स्किन, उसके स्किन में वो रम जाता है। कैसे, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी। वेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, जब वो ज़ाइलोफोन प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू द फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स से जब वो बजाती है ज़ाइलोफोन को, तो कहती हैं कि उन टोन्स को मैं अपने उंगलियों से फील करती हूँ। बाई लीडिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो अगर जो ड्रम है उसकी तरफ वो झुक करके डांस करती हैं या उसको सुनती हैं, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। तो वो उस रेजोनेंस को, यानी कि उस वाइब्रेशन को वो फील कर सकती हैं, उस साउंड की जो इकोइंग है उसे फील कर सकती है अपने बॉडी से। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, अगर कोई लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, शी रिमूव्स हर शूज़, तो अपने जूते को हटा देती हैं। क्यों? सो दैट, इसलिए ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो उसके बिना स्लीपर्स के या बिना शूज के जो उसके पैर होंगे उससे, उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म से उसके पैरों के थ्रू उसकी टांगों से होते हुए सारे जो वाइब्रेशंस होंगे वो उस तक पहुंच जाएंगे आराम से। नॉट सरप्राइजिंगली, कह रहे कि बिना किसी एक बड़ा बहुत आश्चर्य उन्होंने नहीं दिखाया, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। वो जो एवलिन है वो अपने ऑडियंस को हर तरीके से खुश सकती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें यह अवार्ड दिया गया 1991 में। सेज मास्टर परकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो एक परकॉशनिस्ट और भी हैं इसमें, पहले तो आपके थे
जो फॉब्स थे और ये हैं आपके जेम्स ब्लेट्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले उन्होंने उसे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है उस चीज़ के बदले। वॉट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वो उसे फील कर सकती है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, सुन करके जो हम फील करते हैं कहीं उससे ज़्यादा वो डीपली फील कर सकती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो म्यूज़िक को बहुत ही सुंदरता के साथ बहुत ही प्यार से हमारे सामने प्रेजेंट करती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, एवलिन पूरी तरीके से कन्फेस करती है कि वो वर्कहोलिक है, यानी कि काम करने की आदी हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, बस मुझे लगता है कि इस तरीके से मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कह रहे हैं कि देखा जाए तो जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनके उनसे अगर बात की जाए तो ज़्यादा उससे भी ज़्यादा टफ हो जाता है ये सारी चीज़ें सीखना, बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन इसको सीखने के बाद जो रिवार्ड्स मिलते हैं ना वो बहुत विशाल हैं, उसके सामने तो ये मेहनत कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, अच्छा रेगुलर जो उनके कंसर्ट्स होते थे उन चीज़ों से बिजी होने के बाद जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था तो फ्री कंसर्ट्स करती थी वो, कहाँ पर, प्रिजन्स यानी कि जेलों में, हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस, जो यंग म्यूजिशंस होते हैं नए एज के लोग उनके लिए वो बहुत ज़्यादा उतावली रहती थी और वो हमेशा उनके लिए लेसन्स उन्हें प्रोवाइड करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द लिखा हुआ बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, अच्छा एक जो डीफ चिल्ड्रन होते हैं बच्चे जिनमें सुनने जो सुन नहीं पाते हैं उसका एक फंड चलता था बीथोवन, वो कह रहे हैं कि वो बीथोवन में जो उसकी जो चीज थी एनी रिचलिन, वो कहती हैं सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो एवलिन ग्लिनी है वो तो एक इंस्पिरेशन है, चमकती इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए। दे सी दैट दे इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और अब वो ऐसी जगह पर है दैट सी दे सी, वो देख सकते हैं क्या, दे इज नो वेयर दैट दे कैन गो कैन नॉट गो, वो कह रहे हैं कि इसी वजह से उसके जो मोटिवेशन जो उसके कंसल्ट होते हैं उनको सीख करके वो ये सीखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, यानी कि हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। एवलिन ग्लिनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, कह रहे हैं कि जो एवलिन ग्लिनी है उन्होंने अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हैं तो वो उन्होंने उस टाइम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि मान लीजिए कि उनके जो एज है उससे दुगनी जो एज वाला इंसान होगा उस वो जितनी भी चीज़ें अकॉम्प्लिश कर लेता होगा उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने कर रखी थी। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटिव दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड उन लोगों को उन्होंने इंस्पिरेशन दी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जिन लोगों ने उसे देखा और वो कहते हैं क्या इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती हैं ये सारी चीज़ें आई कैन, तो वो लोग कहते हैं कि हम भी कर सकते हैं, जो एवलिन ग्लिनी के बारे में देखते हैं तो कहते जब वो कर सकती तो हम भी कर सकते हैं, दिस इज़ मोटिवेशन। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर एंड टू मिलियंस, और यही वजह है कि वो मिलियंस को आनंद देती हैं, सुख देती हैं। सो दैट्स इट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो यहीं कंप्लीट होता है, जो नेक्स्ट पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।